हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे थे मैप मेकिंग क्लासेस इस क्लास में, और हम लोगों ने पास्ट क्लासेस में हम लोगों ने अपने बाकी के सीरीज देख रखी है। तो स्टार्ट करते हैं आज भी हमारा कुछ मैपिंग रिलेटेड ही टॉपिक्स, और उसको हम लोग देखेंगे पहले मैप में, फिर उसके बारे में देखेंगे कुछ 30 वर्ड्स जो कि हमारे जीएस में भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। स्टार्ट करने से पहले देखिए नीचे आप लोगों को कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट क्लियरेंस के लिए, या अगर आपको किसी प्रकार से हम तक रीच आउट करना है तो। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल जहां पर आपको मटेरियल एज वेल एज नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फटाफट आप टेलीग्राम चैनल की लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उसको ज्वाइन कर लीजिए। स्टार्ट करने से पहले दीज आर आवर अवेलेबल कोर्सेज जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो प्रीलिम्स के लिए मेंस के लिए अवेलेबल हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज, दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डे 1 हम लोगों ने देखा था कुछ ये सारी लोकेशंस। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं आज की लोकेशन क्या होने वाली है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही देख लिया था कि ये मैंने लोकेशंस आपको दे दिया था। मैं बिलीव करता हूं कि आप लोगों ने ये लोकेशंस फाइंड आउट की होंगी और उसके बारे में कुछ कुछ लिखा होगा। कुछ लोगों ने मुझे सेंड भी किया था। यू कैन ऑल्सो सेंड योर आंसर टू द टेलीग्राम चैनल और द लिंक विच हैव बीन प्रोवाइडेड इन द अर्लियर स्लाइड। अगर इसके बारे में हम लोग देखते हैं, और बारे में देखने से पहले हम लोग इनकी लोकेशन को पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी लोकेशन है। तो देखिए पहले चिल्का लेक के बारे में है, फिर चंबल रिवर के बारे में है, फिर पेन गंगा के बारे में है, फिर तुंगभद्रा रिवर के बारे में, डल्लास रानीखेत के बारे में है। स्टार्ट करते हैं पहले लोकेशन को आइडेंटिफाई करना, एंड दीज आर आवर लोकेशंस। तो हम लोग मैप में आ गए हैं, आप भी लोग एटलस में फटाफट आ जाइए। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये चंबल रिवर है। चंबल रिवर में आप देखेंगे कि इस चंबल रिवर से जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है, देखिए ये यमुना रिवर है, यमुना से निकल करके चंबल रिवर, यहाँ पर अलग अलग ट्रिब्यूटरीज में अगेन टूट जा रही है। एक है बनास, दूसरी है काली सिंध और तीसरी है प्रभावती। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस हो जाती हैं, आप लोग इसको फटाफट आइडेंटिफाई कर लीजिए अपने मैप में। इसके अलावा देखिए जनरल मैप है, इसके अलावा आप स्टेट स्पेसिफिक मैप में भी जाकर के वहां पे लोकेशन को आइडेंटिफाई कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पर चिल्का लेक हमारी सेकेंड लोकेशन हो जाती है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये एक आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर पे है और ये एक तरीके का लगून है। यहाँ पर आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बॉर्डर खत्म हो रही है और उड़ीसा की बॉर्डर लग रही है, और इन दोनों के बॉर्डर इलाके पे चिल्का लेक बन रही है जो कि एक बैक वाटर लेक है। देखिए अंदर की ओर में वाटर ट्रैप हो जा रहा है और इसी को हम लोग बोलते हैं लगून लेक। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। जरा आगे बढ़ने में हमारा नेक्स्ट लोकेशन है पेन गंगा के बारे में। पेन गंगा हम देखेंगे साउथ इंडिया में है और ये गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी में आ जा रही होती है। काफी लंबी रिवर है और काफी इंपॉर्टेंट रिवर है साउथ इंडिया की। नेक्स्ट लोकेशन बात किया जाए तो देखिए तुंगभद्रा रिवर है जो कि तुंग और भद्रा दो रिवर से टूट करके बनी होती है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी में आ जाती है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन फॉर आवर प्रिलिम्स एज वेल एज ज्योग्राफी ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके तो हम लोग आते हैं जरा अपने लोकेशन में और हम लोग जरा 30 वर्ड को देख लेते हैं। अब 30 वर्ड को अगर देखते हैं तो सबसे पहली लोकेशन आती है हमारी चिल्का लेक के बारे में। चिल्का लेक में अगेन देखिए 30 वर्ड लिखने के लिए छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया हुआ है कि द लेक इज ज्योग्राफिकल फॉर्म ऑफ लगून, द लेक इज इंपॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट लगून इन एशिया और सेकेंड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। इट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। द लेक इज अट्रैक्टिव पॉइंट ऑफ ऑलिव रेडर टर्टल एंड मेनी अदर माइग्रेटरी स्पीसीज फॉर नेस्टिंग एंड ब्रीडिंग। तो आप भी इस तरीके से लोकेशन के बारे में लिख सकते हैं। इसमें केवल और केवल आपकी एक्सपीरियंस और जितना भी आपने अपने जीएस में पढ़ा है या ज्योग्राफी में पढ़ा है वो लोकेशन ही आपको लिखनी होती है। जनरल लिखना होता है लेकिन थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेटिव लिखना होता है। दूसरी जो लोकेशन है वो चंबल रिवर के बारे में है। इट इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर जिसको हम लोगों ने देखा ही है कि इन राइजेस टू द विंध्यास। The river has high ecological value as it is the largest breeding ground for gharials. इसके अलावा बनास हो गए, काली हो गए, सिंध हो गए, सिप्रा are the other tributaries of the Chambal river. In fact, पार्वती के बारे में भी हम लोगों ने देखा कि पार्वती भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट पेन गंगा के बारे में आ जाता है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। इट फ्लोज इन द सदर्न इंडिया, देखा हम लोगों ने अभी, एंड कंसिडर टू बी वन अमंग द 7 सेक्रेट रिवर्स। तो सेक्रेट 7 सेक्रेट रिवर्स
ये साउथ इंडिया की काफी इंपॉर्टेंट रिवर होती हैं। हम लोग आगे जब रिवर्स के बारे में बात करेंगे, रिवर लोकेशन के बारे में बात करेंगे, तो वहां पर और क्लैरिटी के साथ बात करेंगे सेवन सेक्रेट रिवर्स कौन कौन सी हैं। या इनफैक्ट आप भी थोड़ा सा सर्च आउट करके यू कैन कमेंट बिलो कि आपकी सेवन सेक्रेट रिवर्स कौन कौन सी हैं। द रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ दक्षिण गंगा, या जिसको हम लोग गोदावरी रिवर भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, तुंगभद्रा रिवर के बारे में नेक्स्ट आ जाती है। द रिवर इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर ड्रेनिंग सदर्न स्टेट ऑफ कर्नाटका। द रिवर ऑल्सो पासिस थ्रू विद कल्चरली इंपॉर्टेंट प्लेस हम्पी। हम्पी काफी कल्चरली इंपॉर्टेंट प्लेस है, काफी ज्यादा करंट अफेयर्स में आप लोग देखते होंगे। विजयनगर एम्पायर की राजधानी हुआ करती थी और फाइव डायनेस्टीज को ये कवर की हुई है। द रिवर इज फॉर्म ऑफ टू रिवर्स तुंगा एंड भद्रा विच राइजेस इन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। लास्ट लोकेशन के बारे में देखें तो लास्ट लोकेशन हमारी रानीखेत आती है। रानीखेत उत्तराखंड में एक हिल स्टेशन है एंड टूरिस्ट स्पॉट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड विच इज इन द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक। तो द रीजन इज हैविंग इंपॉर्टेंस विद रिस्पेक्ट टू इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी एज इट इज नियर टू वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। तो नियर अबाउट 200 किलोमीटर के दूरी के बीच में रानीखेत पड़ता है, काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, बहुत सारे हिल स्टेशन यहाँ पर है, जैसे चक्राता हो गया, रानीखेत हो गई, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा आज की लोकेशन। कल की लोकेशन के लिए आप लोगों को अगेन मैं दे देता हूं, दीज आर द लोकेशन विच यू शुड सर्च आउट। ये आप देखिएगा कि कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे पहला काराकोरम माउंटेन, दूसरा देवसाई माउंटेन, तीसरी लद्दाख माउंटेन, जास्कर रेंज, फिर इसके बाद आपको द ग्रेट हिमालयाज एंड शिवालिक हिल्स आपको ढूंढनी है। इसके बारे में आप ढूंढिएगा और उसके बारे में आप 30 वर्ड्स लिखिएगा और लिख करके आप मुझे सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या ईमेल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिस जो कि इंफॉर्मेशन सारी आपके पहले स्लाइड में दिखाई गई है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।